हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे एटीसी मेडिकल टेस्ट के बारे में। तो एटीसी में ज्वाइन करते वक्त आपका कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होगा। जो आपका मेडिकल टेस्ट होगा वो मेडिकल का एक फॉर्मेट रहेगा एंड वो मेडिकल टेस्ट आपको खुद करवाना होगा। जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेते हो, जब आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ज्वाइन कर लोगे, उसके एक साल या डेढ़ साल बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ही आपका मेडिकल टेस्ट करवाएगी। तो इनिशियली जो करवाना होगा ये आपको खुद से करवाना होगा। एक प्रॉपर मेडिकल फॉर्मेट रहेगा एंड ये आपको फिल करके जमा करना होगा। एंड अब मैं बताता हूँ कि ये इसके बारे में पूरी डिटेल्स में मैं आपको समझाता हूँ। जब आपका वॉइस टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद एक फाइनल लिस्ट निकलेगी सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के। एंड इसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा आपके ईमेल आईडी पे। उस ज्वाइनिंग लेटर में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन रहेंगे, ज्वाइनिंग डेट मेंशन रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आना है एंड इसके साथ क्या क्या वहां डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, जैसे बॉन्ड हो गया, मेडिकल फॉर्मेट हो गया। तो यही जो मेडिकल फॉर्मेट रहेगा इसमें आपको सारे चेकअप्स की लिस्ट रहेगी कि क्या क्या चेकअप्स आपको करवाना है। तो ये सारे जो चेकअप्स रहेंगे ये आपको करवाना पड़ेगा। इसमें जो मेनली एटीसी में जो मेनली तीन चीजें यहाँ देखी जाएंगी आपकी, यहाँ पे कोई आपका फिजिकल मेजरमेंट नहीं लिया जाएगा, कोई मेडिकल टेस्ट इनिशियली नहीं किया जाएगा। तो इनिशियली जो होगा ये सारा आपको टेस्ट खुद ही करवाना होगा। यहाँ जो फॉर्मेट में आपको मेंशन रहेगा उसमें बहुत सारी चीजें रहेंगी। तो नॉर्मली आप मतलब नॉर्मल हेल्दी पर्सन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई क्रॉनिक डिजीज है, कुछ ट्यूबरक्लोसिस या कुछ उस टाइप की कोई बीमारी है तो आपको फिर प्रॉब्लम हो सकता है। एंड जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ वो दो तीन चीजें हैं, जैसे आईज का अगर हम देखें तो अगर आप स्पेक्स लगाते हो तो उसमें कोई इशू नहीं है। बस जो आपका स्पेक्स लगाने के बाद 6x6 रहना चाहिए जो नॉर्मल आई के लिए होता है। एंड यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये है कि आप कलर ब्लाइंड अगर हो तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पे बस एक ही चीज आईज के रिगार्डिंग बस एक ही चीज यहाँ नोट की जाएगी, देखी जाएगी कि आपका कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। एंड अगर ईयर की बात करें तो आपको सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड वॉइस की बात करें तो वॉइस की जब आप बोलते हो तो वॉइस की क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप तोतलाते हो या हकलाते हो, स्टैमर करते हो तो आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हो। यहाँ पे जो आपका मेडिकल रहेगा उसमें तो ये मेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो टेस्ट होगा वो आपका वॉइस टेस्ट में कर लिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग वॉइस टेस्ट के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो। तो वहां मैंने क्लियरली बताया था कि वॉइस टेस्ट में क्या क्या होगा। तो वहां पे तो आपकी वॉइस वो चेक कर लेंगे, वॉइस की क्लैरिटी चेक कर लेंगे, आपके आप स्टैमर करते हो या नहीं करते हो वो सब सारा चेक कर लेंगे। तो मेडिकल में अगर देखा जाए तो वैसा कुछ बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बस कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए एंड कोई कुछ बड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए। यहाँ कलर ब्लाइंडनेस न होने का कंडीशन क्यों रखा गया वो मैं आपको बताता हूँ। एयरपोर्ट में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर के लाइट्स होते हैं, तो अगर कोई पर्सन कलर ब्लाइंड है तो वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएगा कि किस कलर का लाइट ऑन है, किस कलर का लाइट ऑफ है। तो ये बहुत बड़ी इशू हो सकती है फ्यूचर में चल के जब आप एटीसी की जॉब कर रहे हो तब। एंड जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट है थिंग है वो है कि जब आप जो आपको आपके स्क्रीन पे जो जिस स्क्रीन पे आप काम करोगे वहां रडार का जो फीड मिलता है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज किए जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो भी इंफॉर्मेशन आता है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में रहता है। जो एयरक्राफ्ट का लेवल दिखता है, डिफरेंट डिफरेंट एयरक्राफ्ट दिखते हैं, वो सारे डिफरेंट कलर में आपको दिखेंगे। तो ऐसे में अगर कोई कलर ब्लाइंडेड पर्सन अगर वहां काम कर रहा है तो वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएगा। इन्फॉर्मेशन हो सकता है अगर ब्लैक स्क्रीन है उसको ग्रीन कलर या रेड कलर भी उसको अगर ब्लैक दिखती है तो उसको उससे तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिखेगी। तो इसलिए ये कंडीशन को एकदम मैंडेटरी रखा गया है कि जो यहाँ पर्सन अप्लाई कर रहा है वो कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। तो जब आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी तभी आपको मेडिकल फॉर्मेट बनवाना होगा और वो फॉर्मेट तो वो लोग ज्वाइनिंग लेटर के साथ ही भेज देंगे। तो इसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको फिल करवाना होगा। एंड इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।